हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मुराद जल्द पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक अन्य नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और अपने भक्त की मन की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार को व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कथा कौन सी है। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भाव के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती की आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि अब बालक 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की बात ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर में पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बरात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु में वरदान दिया था।
अब इसकी मृत्यु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता की तरह तरह कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसको विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यास रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पढ़ रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया। इस प्रकार जो कोई सोमवार के दिन व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।